नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे व्हाइट मूंगे के ऊपर। मेरा लगभग आई थिंक 40 या 50वां एपिसोड होगा ये। कुछ नया लेकर आ रहे हैं व्हाइट मूंगे के बारे में, कुछ और नई जानकारी। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत सारी एक यूट्यूब के ऊपर भ्रांतियां फैली हुई हैं कि व्हाइट मूंगा शुक्र ग्रह का है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं ऐसे किन लोगों ने ये भ्रांतियां फैला रखी हैं कि व्हाइट मूंगा शुक्र ग्रह का। ये तो पता नहीं, ऐसे बंदों को तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। ये जो एपिसोड डाल के बैठे हुए गलत मलत, इनकी वजह से लोग भ्रमित है बहुत ज्यादा। इन्होंने नीचे अपना कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट, कुछ नहीं दे रखा है। फालतू में एपिसोड बनाया, शक्ल भी नहीं दिखाई, बोल के परे हो गए। तो व्हाइट मूंगा, देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी पहले बात सुनिए। मैं बोल रहा हूं रेड मूंगा, व्हाइट मूंगा और ऑरेंज मूंगा। जब मूंगे की बात हो रही तो मंगल ग्रह का रिलेशन होता है, इसका शुक्र के साथ कोई लेन देन नहीं है। दूसरी बात, ये चांदी में डाला जाता है दोस्तों, ये गोल्ड में बिल्कुल नहीं डाला जाता। मोर देन 80-90% जो मूंगा होता है, जैसे ऑरेंज है या रेड है, वो कॉपर जब गोल्ड में डाला जाता है, लेकिन ये सिल्वर में डाला जाता है। और मैं सबसे जरूरी चीज बता देना चाहता हूं कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.70। और इसके बाद अगली बात, बड़े से बड़ा रोग उसे भी खत्म करने में व्हाइट मूंगे की बहुत ज्यादा हेल्प ली जाती है। ये वो पत्थर है जो आपको निरोगी काया देता है, जो आपको रोग ही होने नहीं देगा। और सेकेंडली देखिए, ये कॉम्बिनेशन स्टोन्स होते हैं। कई बार हमने देखा है कि व्हाइट मूंगा लोगों ने डाला तो हुआ है, लेकिन 80% प्लास्टिक है वो, उसमें कोई ओरिजिनलिटी का प्रमाण नहीं है। ऐसे लिया, ऐसे डाल लिया। तो व्हाइट मूंगा अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं व्हाइट मूंगा वेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो हेल्थ इश्यू है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपको ओरिजिनल, लैब टेस्टेड, इटालियन और ऑस्ट्रेलियन, ये दो आते हैं, ये डालना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं यहां पे बता दूं, इसे मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले आपने डालना है, पूजा करा के शुद्ध करवा के, और 7-8 कैरेट के बीच में आप इसे डाल सकते हैं। एनीबडी कैन वेयर दिस, ये नहीं है कि आप इसे ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, हेल्थ इश्यू है कोई भी डाल सकता है। तो और इसे अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में डालना है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत छोटी होती है, फायदे बहुत बड़े होते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी की अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल TV चैनल्स के ऊपर बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करिए, आने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूर बैठे हैं तो इस नंबर की सहायता से आप अपना टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली का विश्लेषण मेल से करवा सकते हैं। आपकी फैमिली मेंबर की कुंडली का विश्लेषण भी इसी नंबर की सहायता से किया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।